हेलो बच्चों, साइंस स्टडी सेंटर और यंग माइंड्स चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। मैं संदीप तिवारी। बेटा आज हम लोग नीट के लिए, नीट और जेई के लिए एक केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और देखते होंगे आप उससे हर साल अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम लोगों ने पढ़ा होगा अगर केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन है जिसको क्या नाम दिया जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो उस बॉन्ड ऑर्डर में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है कि एग्जाम में जब हमको कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन का मतलब क्या है कि जैसे अब आपसे कह दिया गया कि यार N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, आपसे कहा कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो अब N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या CO का, ऐसे दिया जाता है आपको, चार चार पांच पांच दिए रहते हैं और आपसे कहता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबका हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था उस कॉन्फिगरेशन को करना होगा। सिग्मा वन एस वन, सिग्मा जो भी कॉन्फिगरेशन करते थे, सिग्मा स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो उसमें क्या होता है कि इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कि इसको करने के चक्कर में एक दो क्वेश्चन का एक्स्ट्रा टाइम हम खा जाते हैं इसमें। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप जान लो कि 95+, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो थोड़ा सा मैग्नेटिक करेक्टर जब उसमें डाल देता है तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर की कंपैरिजन की बात किया जाए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, या किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, तो उसमें हम लोग एक ट्रिक यूज करने जा रहे हैं। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप देखते ही आप बता दोगे किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अभी एक दो क्वेश्चन भी हम आपको आईटीजेई का कराने वाले हैं, देखिएगा। तो ट्रिक क्या है, आपको याद क्या करना है इसमें, एक सिंपल सी बात दिमाग में रखना है, क्या अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 में, N2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 × 2 = 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 3। ये तो याद कर सकते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर मॉलिक्यूल में या किसी आयन में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, सपोज करो 15 इलेक्ट्रॉन्स किसी में हो जाए, किसी में 16 हो जाए, किसी में 17 हो जाए या 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और हमको करना है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो देखना क्या करना है, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, लेकिन 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर बेटा एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस करते जाओ। तो अब बताओ 15 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2.5, 16 एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 2, 17 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, 1.5, और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। और सेम कॉन्सेप्ट हम जब 13, 12, 11, 10 तक जाएंगे तो यही कॉन्सेप्ट ऊपर भी चलेगा। अब यहीं पर अगर आपसे कहा जाता कि 13 इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं करना सिंपल सा, अब आपसे कहा 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे आप, 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। 11 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 1.5, और 10 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? तो हमको ये की पॉइंट याद रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, जितना एक इलेक्ट्रॉन प्लस होने पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस करते जाएंगे हम, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आईटी में पूछा था, अब इससे अब होता क्या है कि अभी अब N2 का जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस हमको दिए जाएंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था वो देख लो। बॉन्ड ऑर्डर जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई
टू। अब बताओ अगर कोई मॉलिक्यूल दिया जाए और उसका कहा जाए भैया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, तो अब क्या करना, पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिगरेशन करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें। कितना टाइम हो लगाना पड़ेगा आप समझ सकते हो। अब यहीं पर हमसे कहा कि N2 प्लस N2 माइनस, सीधे। अब आपसे कहा कि बता दो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन हुए, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, कितना हुआ, 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ इसका भी, 2.5। क्लियर, ये हो गया। अब यहीं पर मान लो कि एक बार क्वेश्चन आपका आईटी में पूछा था, क्या 2007 का क्वेश्चन था, अब उसमें तीन चार दिया हुआ था आयंस और मॉलिक्यूल्स, क्या था, एग्जांपल लेते हैं, ये आपके आईटी 2007 का क्वेश्चन था और उसमें क्वेश्चन ये कहा था कि चार ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में क्या क्या था, एक तो आपका N2 प्लस था, सेकंड ऑप्शन आपका था N2 माइनस, थर्ड ऑप्शन आपका था NO दिया था, और फोर्थ ऑप्शन आपका था NO प्लस, और उसमें कहा था कि इन चारों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर CO के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड ऑर्डर के इक्वल इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, अब मामला यह है कि हमको इन पांचों का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, तो CO का भी तो बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना ही पड़ेगा। चलो CO का बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालते हैं, तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर बता दो, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 14, और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या बोला हम लोगों ने, 3। तो एक बात तो कंफर्म, CO का बॉन्ड ऑर्डर देखो कैलकुलेट कर रहा है, सीधे देखो कैसे करेंगे, फास्टेस्ट। अब इसमें क्या करना है, N2 का आते हैं, N2 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे N2 में, 13 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है तो 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5। ये गलत हुआ, कंपेयर करना था CO से। N2 माइनस में क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए बता दो, 15 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 2.5। ये भी गलत हो गया। NO में आ जाओ, NO में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7, ऑक्सीजन के पास 8, कितना हुआ, 15 का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 2.5। ये भी गलत हुआ। NO प्लस आ जाओ, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, कितना हुआ, 15, एक प्लस है, कितना बचा, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3। हमारा आंसर क्या होता, NO प्लस। ठीक है, तो यहां पर करना क्या है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इन पांच का करते तो आप सोचो एक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कम से कम हम एक मिनट टाइम खराब करते, और पांच का 5 मिनट ये कैलकुलेट करने में कुल मिलाकर के हम खा जाते कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन को का टाइम ले लेते इसमें। तो सीधे बेटा कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ऑर्डर ये चीज मिस नहीं करना है, आपको करना क्या है कि 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो रहा है तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस होता जाएगा। ले रहे, तो ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बहुत प्रॉब्लम होती है। अब सीधे जैसे अब आपसे कह दिया, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। अब सपोज करो हमसे कहा जाए कि O2 माइनस O2 प्लस, अब आपसे कहा जाए कि इनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ,
या इनके बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस बता दो आप, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो उनका। तो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 16 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ इसका, 2 हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1.5। ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन हुए, और 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। क्लियर है। और एक इसी में एक फार्मूला याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होगी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर यही क्वेश्चन दिया गया होता कि इन मॉलिक्यूल्स या आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो आप, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बन के आता, सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या करोगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बना पहले बता दो, O2 प्लस, फिर कौन हो गया हमारा O2, और ये बन गया O2 माइनस, ये हुआ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, तो यहां से क्वेश्चन आप उठा करके नीट का एग्जाम उठा के देख लीजिए, मेडिकल का, आप इंजीनियरिंग का उठा के, आपका जेई जो है, तो जेई में तो बड़ा क्या कराता है, मैचिंग कराता है। वहां पर बॉन्ड ऑर्डर लिखा होगा, 4-5-6 स्पीसीज दी होंगी, सबके बॉन्ड ऑर्डर को मैच कराना होगा, या जैसा भी एक क्वेश्चन हमने दिया आपसे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सीओ के इक्वल हुआ। अब हम करने क्या लगते हैं, वही कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट नहीं जाना अभी आपको, सीधे सीधे यहां से आपको बॉन्ड ऑर्डर 14 की वैल्यू याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, बाकी प्लस माइनस हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा। अब यहां से सीधे सीधे और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी से जो आया हुआ है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में, आपसे कहा जाए, इसी में एक एग्जांपल ले लिया हमने, आपसे कहा C2 डबल माइनस और C2 डबल प्लस। अब बताओ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल इसके पास, 12 इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर बता दो अब कितना हो जाएगा, 2, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो गया। इसके पास बता दो कितने इलेक्ट्रॉन, 16 2 जा 12, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद है हमको। और यहां से आ जाओ कार्बन के पास 12 प्लस 2 है, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल के आ जाएगा 1। अब अगर यहीं पर स्टेबिलिटी पूछा होता तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती, स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर आता तो स्टेबिलिटी होती किसकी, C2 डबल माइनस, फिर आपका हो जाता C2, फिर कौन होता है आपका C2 डबल प्लस। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। फिर से जाते जाते आपसे एक बात रिपीट कर रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर 3 कब होगा, जब मॉलिक्यूल या आयंस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस होगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 माइनस होता जाएगा। कम करेंगे 14 से तब भी 0.5 माइनस, ज्यादा करेंगे 14 से तब भी 0.5 माइनस होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग लेकर के आएंगे, कुछ कलर्स की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।